आपकी तरफ आ गए। भाई प्लीज जब भी आग बुझाने आओ हीरो मत बनना, ठीक है? मेरा पहला कहना है, हवा का डायरेक्शन दे लो, देख लो सारी धुआं उधर जा रही है, सांस आपको आराम से लेनी है। ये देखो कैसे फैल रही आग, ठीक है? जितना बुझाओ ढंग से बुझाना। और दूसरा आपको देखना, पत्थर तो नहीं आएंगे आपके ऊपर, ठीक है? अब मुझे दूर जाना है आग से। ये देख रहे हो ये भाग रहा है, यही करता उपाद, तो इसको भी बुझाना है, ठीक है? हाथों के हो गए बुरे हाल, और कहीं हम आगों के बीच फंस भी गए तो कोई बात नहीं, सामना कर लेना भाई, क्या ही कर ले, क्या ही उखाड़ लिया हमने यहाँ पृथ्वी पे आके, गंदी मचा रखा हम लोगों ने, ठीक है? ये तो रहेगा। भाई हीरो तभी बने जब आपको लगता है मैं कर सकता हूँ, मुझे फायर फाइटिंग की आदत तो नहीं है, हमें सिखाया गया भगवान की दया से, अच्छी जगह जॉब पे गए जहाँ सिखाया गया। देख रहे हो वो डायरेक्शन नीचे की ओर है, मैं नीचे से भाग गया, ठीक है? तो बुझाना तो है, वहाँ मैंने बुझा दिया, अब मुझे वहाँ से बुझाना था। जैसे आपके नीचे नहीं आने चाहिए आग, और जब तक हवा कम होती है फटाफट, ये देखो, ठीक है? ये देख रहे हो इतना एरिया बच चुका है, और इसके नीचे जाना है, आग के बीच कोई नहीं जाएगा, ठीक है? कौन करता है, इतनी जगह देख लो ये बच चुकी है, ये जगह पे जा रहा हूँ मैं, लगे रहना सेफ्टी से करना, ठीक है? कोई भी हीरो ना बने, मैं बार बार कह रहा हूँ। और ये ढंगा टाइप का आ रहा है, मैं तब जा रहा हूँ, पर जूते होने चाहिए, ठीक है? मैं जा रहा हूँ, अब हवा आएगी ना तो मेरे लग जाएंगे, ठीक है? तो जैसे हवा कम होती है आग बुझाना बहुत ईजी हो जाता है। कैसे हो गया पेड़ ना मुरझाया बेचारा, ठीक है? और फटाफट नीचे जा रहा हूँ जब तक हवा बंद है। बस ये एरिया बचा हुआ मेरे लिए, इस तरफ तो मैंने कंट्रोल में लिया हूँ। साहब बुरे हाल हो गए, आराम से ब्रीथ करना है, आराम से रिलैक्स होके, हाथ थक जाएंगे बॉडी थक जाएगी, बॉडी को इतना बैकअप रखना, ठीक है? अगर आपकी तरफ भागे भी तो आग की तरफ उस तरफ चले जाना, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं रहेगा, पहाड़ों में पत्थरों के नीचे नहीं रहना, जैसे वहाँ पड़ा हुआ वहाँ इसलिए नहीं गया, पत्थर गिर रहे हैं, और वहाँ मेरे लिए मूवमेंट के लिए कुछ है भी नहीं, ठीक है? जहाँ है वहाँ मैं बचाऊँगा। अपने जंगलों को पेड़ों को खेतों को कैसे बचाना है वो बताया है क्या किसी को? किसी को कुछ पता नहीं है भाई, ठीक है? मैं ये दूसरी बार हूँ, पहली बार मैंने ये बातें नहीं करी थी, मुझे लगा क्या पता आज टाइम ना हो, कुछ भी हो, दूसरी बार देख लो, ठीक है? मैं फिर चलता हूँ, मेरी ड्यूटी शुरू है। बस मुझे तो यही कहना था, और क्या आपके गाँव के प्रधान को चुनते हो उसे पूछो एक क्वेश्चन, आग को कैसे बुझाते हैं, क्या उनको पता है, क्या सरकार इतनी अवेयरनेस चला रहा है कि गांव-गांव में जंगलों में आग कैसे बुझाया जाए, या किसी महिला मंगल दल टीम की जिम्मेदारी नहीं है, ना प्रधान की जिम्मेदारी, जिम्मेदारी पूरे गांव की है, जहाँ जहाँ है। रहो अपने पेड़ पौधों को बचाओ यार, जितना बचा सकते हो, ठीक है? जितना कर सकते हो कर लो, ठीक है? कुछ तो कंट्रीब्यूट करो, ठीक है? और बुझा चुका हूँ, और यहाँ से सारा ये एरिया बच चुका है, अब वापस यही घूम रहा हूँ मैं, आगे नहीं जाऊँगा पीछे नहीं जाऊँगा, ये एरिया बचाऊँगा, रूल्स हैं, जिस एरिया को बचाओ पूरा बचाओ। तो ये आ गया मैं रास्ते में, अब यहाँ से फिर वापस जाऊँगा ऊपर बुझाते हुए आग वहाँ तक। तो क्या करना है, जैसे रास्ते आ जाओगे
वापस पकड़ना है, जो एरिया बुझा लोगे उसको दो तीन बार देखना है कंटिन्यू। आज तो हवा है तो जितनी बार देख सकते हो, मैं इसी एरिए को पकड़ रहा हूँ, जितनी बार बुझा सकता हूँ बुझाऊँगा यार, सिर्फ उसका रूल है, जितना पार्ट कर सकते हो कर लो भाई। अब किस तरफ देख रहे हो कितनी आग फैली, मैं ये कहना तो इतना नहीं कर सकता, इस एरिया को बचा लेता हूँ जितना कर सकता हूँ, ठीक है। बस ये देख रहे हो, ये चश्मे ले, ये जलता है, ये तो फिर वापस आग लगवा देता है। ये देखो यहाँ से मैं आया था वापस, जहाज में करते हैं फायर वॉच, फायर राउंड्स बोलते हैं जिसको, फायर वॉच में नूम है पूरा, यहाँ से यहाँ तक ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा हूँ, 3 घंटे हो गए, यही एरिया मैं बचा पाया हूँ देख लो, ठीक है, क्योंकि रास्ते का उधर था। अब देखो वहाँ पे फिर वापस लग रही है आग, और फिर नीचे जाऊँगा, ऐसा करके कंटिन्यू करना जिस एरिया को आप कर दो, और यहाँ पे थोड़ा हरा भी है तो मेरे को थोड़ा कंट्रोल करने में ईजी रहेगा, हवा मेरे को आज थोड़ा हमारे रुख में नहीं है आज हवा, और चलते हैं ये आग बढ़ा देगी इस तरफ, तो मैं इस तरफ लगाऊँ, 3 घंटे हो चुके हैं। तो भाई यहाँ तो बुझ चुका है आग पूरा, यहाँ नीचे तक देखो, वो जहाँ पर चीड़ का पेड़ है वहाँ तक पूरा आग बुझ चुका है, हवा चल रही है, तो यहाँ पे फायर वॉच है मेरी, और कहीं भी वापस आग लगे तो बुझाना है मेरे को, नीचे रास्ता है बैकअप के लिए, ठीक है, पीछे भी है, वहाँ देखो यार वहाँ तो आग फुल लगी हुई है, वो पूरा पहाड़ है, ठीक है, और ये देखो यार पेड़ ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, और हम लोग जैसे मैं पूछता हूँ किसी को, या हम लोग किसी को पूछते हैं कि यार क्या हुआ, क्यों नहीं कर रहे आप लोग, क्यों नहीं जा रहे हो जंगलों में तो आग बुझाने, वो लोग बोलते हैं सरकार करेगी ना भाई, रहना हमें है, खाना हमने है, जन्म भूमि है हमारी, कर्म भूमि है, सरकार तो आपकी रहेगी, कहीं बंगले कोठी देहरादून दिल्ली मज़े करेंगे वो लोग तो, वीआईपी कार, खाना पीना हमने, तो हम लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। पिछले साल औरतें आई थी और इस साल भी आएंगे, हवा के डर की वजह से नहीं आए, लोगों के पास सामान नहीं है, ठीक है, और आते हैं देखना, वो लोग ज़रूर आएंगे थोड़ी देर में, जब भी आएंगे दिखेंगे, चीड़ के पेड़ में लगी हुई आग मैं वो बुझाता हूँ, ड्यूटी हम लोगों की है, सरकार वरकार के भरोसे मत रहो, कर रहे हैं वो लोग भी, और पिछले साल भी काफ़ी कर रहे थे, काफ़ी जगह दिखे थे मुझे, और बस यही बोलूँगा यार, हवा तो भाई साहब हवा ने वाट लगा रखी है, वहाँ पे ना वो चीड़ का पेड़ यार उसमें आग लगी, मैं उसको बुझा के आता हूँ, मुझे अच्छा लग रहा, तो ये पूरी ड्यूटी है मेरी यहाँ से वो नीचे तक आज, और दिन भर यहीं रहना है, ठीक है। हाथ क्या हो गए बुरे हाल, ये देखो तो कोई बात नहीं, मुझे आदत है, और ठंडा ये है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, हीरो हीरो बनने का तो खैर छोड़ ही दो, अब मेरे को बनना है किसान, किसान बनने के लिए मुझे करना है खेती, खेती के लिए मुझे चाहिए पानी, और पानी के लिए चाहिए पेड़ पौधे जंगल, ठीक है, इसलिए जंगलों का आग बुझा रहा हूँ, ठीक है, और इसलिए यहाँ हूँ भी, ठीक है, बाकी मुझे किसी दूसरे को दोष नहीं देना, वो आए नहीं आए, इतनी जगह तो मैंने बचा ली, तो शायद थोड़ा थोड़ा करके आप लोग भी आते और यहाँ पहाड़ों में, या जो हैं ऑलरेडी पहाड़ों में, बुझाओ आगों को, सेफ रहना। कितना छोटा सा देखो, ओहे बच गया ना, अगर इस तरफ आग होती ना बेचारा ये भी जल जाता, कहाँ जाता है, ये देखो गए आग की तरफ, चलो एक छोटा सा जीव दिखा आज, वो भी बच गया बेचारा, वो यहाँ को तो आग है नहीं अभी, यहाँ मैंने पूरी, यहाँ से मैंने वहाँ से आया था, यहाँ यहाँ से वहाँ, यही मेरा इस चढ़ाई से मैं वॉच करूँगा, ठीक है, ये चीड़ के पेड़ में आग लगी हुई यार, इसको बुझाता हूँ, पहले पहुँच गया मैं चीड़ के पेड़ में, वो नीचे से वापस वहाँ जाना है ताकि आग ना लगे, और चीड़ के पेड़ में लगी हुई आग, ये देखो बेचारा इतना लंबा पेड़ है, इसमें जड़ में आग लगी हुई, अच्छा नहीं है, ठीक है, बुझाता हूँ मैं, देखते हैं, उसे चीड़ के पेड़ में तो आज तक किसी ने आग नहीं बुझा पाया, तो अब ठीक है प्लान बी, जब पत्थर भी ना हो उससे भी ना हो तो मिट्टी मिट्टी डालो, ठीक है, मिट्टी खड़ो फटाफट, अपने पे भी डालो, अगर आपकी तरफ आग बढ़ रही है कोई ऑप्शन नहीं है, मिट्टी खन के डालो खुद पे, यही बचाएगी मिट्टी, ये देखो दिखाता हूँ, ये देखो खैर ना इफेक्ट नहीं रहेगा इसका, पर रहेगा डालो,
तो मैं कंटिन्यू मिट्टी डालूँगा। ये देखो तो ये पेड़ में भी ऐसे डालते रहना। देखो बुझ गई आँख, मैं करता हूँ काम। पेड़ का बुझ चुका आँख, मिट्टी डाल दी मैंने पूरी, ठीक है। और फिर देखने आऊँगा मैं। अब यार प्यास लगे बहुत ज़्यादा, ठीक है थोड़ा सांस लूँगा। वापस जाना है फायर वॉच के लिए नीचे, जहाँ अब वापस तो नहीं लगी, या वापस लगी तो बुझाओ, ठीक है। हाँ ये ड्यूटी है। और देखो एक दो जगह में धुआं आ रहा है, तो वापस जाना है, ऐसे ही है। जहाँ बचाओगे चलो रेडी रहना फिर। और जैसे आप फायर वॉच करते रहो, आग बुझ गई, देखो पेड़ में कहीं आग लगी हुई है कहीं नहीं लगी हुई, वो देखना। वो देखो नीचे फिर लगी आग, तो नीचे चलता हूँ। पेड़ का आग बुझ चुका है, ठीक है। ये पूरा एरिया तो बुझ गया है, ठीक है। यहाँ पे उधर दिख रहा है, उधर मैं आता हूँ, पहले नीचे करके आता हूँ फिर से, ठीक है। और पहाड़ में चलना आराम से आपको, ठीक है। यहाँ तो पूरा ढंगा रहता है भाई। श्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, अच्छी सी कविता की, हार नहीं मानूंगा ठार नहीं मानूंगा, ठीक है। देखी जाएगी जो होगा आज। ये देखो फायर वॉच का ये फायदा, वापस इधर आग लग गई। अरे मेरे और डायरेक्शन में आ गया, घूमो तो सारी जगह बुझा रखा था मैंने, वापस उधर लग गई, भागना पड़ेगा। तो ठीक था फायर वॉच में, आप रास्ता देख लो कहाँ से जल्दी से आना है। तो पेड़ के आग बुझाने के बाद वापस से आग बुझानी है भाई। हवा मेरी हो रहा है, हीरो नहीं बनना है, ठीक है। तो उस तरफ जाता हूँ, धुआं नहीं है। आप लोग ये मत सोचना कि एक तरफ आग बुझा दिया तो दोबारा आग नहीं लगेगी, मैं चौथी बार बुझा रहा हूँ इसको। यहाँ पे बैकअप के लिए नीचे रास्ता है, वहाँ मैं उसको कंट्रोल कर लूँगा। और इसी तरह से बाउंड्री बनानी है आपको, ठीक है। ये देखो देखो इस तरह से बुझानी है, फिर देखो अरे भी नीचे लग जाती है आग। ये देखो बुझ गया, ये देखो इसकी बात कर रहा था मैं, ये जलेगा ही भागेगा नीचे, इसलिए फायर वॉच करनी है पूरी आपको आग बुझाने के बाद। अब उस पर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बुझ गया भाई, मेरे तो लग गए वाट, ठीक है। ठीक है मैं तो करता रहता हूँ, जब तो कोई आता नहीं मेरे को इधर ही रहना है फायर वॉच में, और 3-4 घंटे, ठीक है। 5 घंटे हो गए हैं, और मैं दिखाता हूँ गांव कितना दूर है। मैं दिखाता हूँ गांव कितना दूर है। ये देखो ये सारे दिख रहे हैं, ये पूरा गांव है भाई, ये चारों तरफ गांव है। कितने लोग आ रखे हैं यहाँ, ओ भाई यहाँ तो भरा हुआ लोगों का, किधर है, ठीक है। तो यही है रियलिटी भाई, ठीक है। तो अब वही नहीं आ रहे हैं जो यहाँ रह रहे हैं, तो कौन आएगा भाई, कोई नहीं आएगा इधर, ठीक। 5 घंटे हो गए हैं, पूरा बुझ चुका दिख रहा है, उधर लगी हुई आग, उस तरफ भी लगी हुई आग, ठीक है। और मुझे 2 घंटे और रुकने हैं, क्योंकि बुझा के हो गए लगभग 3 घंटे, और 2 घंटे और रुक जाता हूँ। पूरा ये एरिया आग, क्योंकि यहाँ रास्ता है, इस तरफ भी मैंने बुझा दिया फिर से, और पूरा यहाँ से वहाँ घूम रहा हूँ, ठीक है। बस ऐसी है, अब चल रहे हैं, उम्मीद है कि औरतें आएँ, अभी तक तो कोई दिख नहीं रहा, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं भी आग लगते हुए दिखाई दे रहा है तो तुरंत आग बुझाने जाए,
और सेफ्टी पहले आए, आप लोग अपना सेफ्टी का ध्यान जरूर रखें, ठीक है। कॉटन के कपड़े पहने, नायलॉन के मत पहन लेना, मेरे तो 3-4 जगह जल गए, ठीक है। हाथ में कुछ ग्लव्स व्लव्स पहन लेना, ठीक है, ठीक ठाक, क्योंकि हाथों के हो जाएंगे आपके बुरे हाल, ठीक है, इस तरह से। और यही है, हवा के डायरेक्शन में नहीं जाना, आपका अपोजिट डायरेक्शन में रहना हवा के, ठीक है। जिधर हवा बह रही है उसके पीछे रहो, ठीक है। रास्ता देख लो, अपने लिए पानी के बोतल रख दो पीछे जेब में, 1, 2, 3, 4 जितने रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि धुआं से एकदम दम घुटेगा। जिनकी सांस फूलती है वो ना आए, ठीक है, वो खाना पीना पानी ला के नीचे रख दें लोगों के लिए। गांव वाले अगर सब आते, कोई खाना लाता, कोई पानी लाता, एक तरफ से मैंने इतना बुझाया, कोई वहाँ, चारों तरफ फैल जाते तो आज ही सारी आग बुझ जाती भाई। पर नहीं आना चाहता है कोई यार, क्या ही कर सकते हैं, या उनको पता ही नहीं है जाना भी है कि नहीं जाना है, ठीक है। ठीक है फिर, जय हिंद, जय भारत।